विराट सही से बहुत नाराज है बड़ी मामा। होगा ही ना, वो बदतमीज लड़की ना तंग जो उसको करती है। अरे अब इस देवी जी ने क्या कर दिया? मुझे बस इतना पता है कि सही किसी राजीव से मिलने गई थी। और इसीलिए विराट उसे डांट रहा था। राजीव? तुमने पक्का राजीव सुना? हाँ। लेकिन सही उससे मिलने क्यों जाएगी? कोई नहीं, मतलब राजीव फिर से आया है? आ गया होगा तो मैं खुद उसकी टांगे तोड़ने जाऊंगा। लेकिन ये राजीव है कौन? मैंने भी ये नाम घर में पहली बार सुना है। क्योंकि इस घर में इस नाम को कोई नहीं लेता। राजीव ने हमें गहरा दर्द दिया है। पत्र लिखा, सुबह सुबह अपने काम पे ध्यान रखो और जो दर्द हम सब बुला चुके हैं उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आई मैं तो बस। बेटा मेरी दवाई दे दो, सुबह देना भूल गई थी ना। सॉरी आई, मैं अभी लेकर आती हूँ, प्लीज बैठिए। डांटो सुट्टू, अब बेचारी पत्रलेखा भाभी को मानसी बुआ की दवाई कैसे याद रहेगी? ये तो छानबीन में जो लगी हुई है कि ऐसा कौन सा राज है जो सही भाभी को पता है और इन्हें नहीं। तो क्या यही कारण वजह रीजन है कि सई और शिवानी एक साथ इतनी मीटिंग कर रहे हैं? शिवानी मौसी, राजीव और शिवानी मौसी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नाश्ता करो। नहीं करिश्मा, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। हाँ? तो बात ये है, सही भक्त यानी मेरे पति मोहित चव्हाण को इस बारे में कुछ पता है और इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कैसे? तड़ो सुटो अब मोहित। बेबी, घर में इतना टेस्टी खाना बना है तो तुम बाहर से क्यों खाओगे? चलो सबके साथ बैठकर खाना खाओ। चलो बाहर से खाओ। अरे चलो, बहुत टेस्टी खाना। मोहित बैठ जा। हो बाबा। सच सच बता, तू सई और राजीव के बारे में क्या जानता है? बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सई वहिनी ने पूछा था कि ये राजीव कौन है और मुझे जितना याद था मैंने उतना बोला और कुछ नहीं। लेकिन मुझे भी तो कोई बताओ कि ये राजीव है कौन। मैं उस नालायक राजीव के बारे में ना कुछ बोलना चाहती हूँ ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। वो हमारे अतीत की ऐसी भूल है जो हम सब भूलना चाहते हैं। अगर उस सई ने उस भूल को भूल से भी हमारे सामने लाने की कोशिश की तो मैं उसका क्या हाल करूंगी ये मैं खुद नहीं जानती। मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं आप आएंगी कि नहीं। आना तो मुझे था सही, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि घर वालों में से किसी को भी पता चले कि हम दोनों यहाँ साथ में हैं।
वैसे भी उन्हें लगता है कि हम दोनों साथ में मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं। लेकिन बुआ, सबसे छिपाने का क्या फायदा, उनको तो पता चल ही जाएगा ना। बाद में देखेंगे सही। अगर किसी को भी पता चलता कि मैं यहाँ राजीव से मिलने आई हूँ, कोई मुझे घर से निकलने भी नहीं देता। अच्छा ठीक है, ये सब रहने देते हैं, आप अंदर चल के राजीव से मिल लीजिए। हाँ, मैं जाके सही भाभी को बुला के लाऊं। नको वहनी, सही सुबह सुबह तैयार होके कॉलेज भी चली गई है। तो शिवानी से पूछ लेते हैं, इतने दिनों से शिवानी और सई की इतनी सॉलिड सांठगांठ जो चल रही है, उसे तो सब पता होगा। लेकिन शिवानी बुआ को भी मैंने तैयार होकर घर के बाहर जाते देखा था। कहीं सई और शिवानी मौसी ये दोनों राजीव से मिलने तो नहीं गए? पत्रलेखा, सई का कुछ पता चला? फोन उठाया उसने? नहीं बड़ी मामी, सई और शिवानी मौसी दोनों का ही फोन नहीं लग रहा है। साला, मतलब 100% निश्चित कंफर्म तय है कि इस शिवानी और सई के बीच में खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी बिरयानी पक रही है। आई वेज बिरयानी बोलो, मैं नॉनवेज नहीं खाती। करिश्मा, तू जो पूरा दिन ख्याली पुलाव बनाती रहती है ना, बस वही खा ले। बेवकूफ स्टूपिड डम मुलगी। अरे मैं सिर्फ मिसाल दे रही थी, अब देख क्या रही है। सही को फोन लगा, लौकर। ओ हाँ। क्या हुआ? विराट ने भी तुम्हें कभी ऐसे ही उठाया था? यही सोच रही हो ना? आपको कैसे पता? क्योंकि सच्चे आशिकों की जुबान नहीं, आंखें बोला करती है। सही, ये ना अपनी बातों में सबको फंसा लेता है। ट्रिक्स्टर है, ट्रिक्स्टर। अरे ट्रिक्स्टर हुआ करता था, अभी तो लवर हूँ, लवर। इस लवर को ना तुम्हें अपना लव गुरु बनाना चाहिए। हाँ? लव गुरु? हाँ, जैसे देवी के हस्बैंड पुलकित ने मुझे एनाटॉमी एंड सर्जरी करना सिखाया, वैसे ही शिवानी का हस्बैंड तुझे प्यार पाना सिखाएगा। शिवानी का हस्बैंड? अरे यार, मतलब तुमने अभी मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर दिया? यार मैं कब से सोच रहा था, कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं, और तुमने इतने आसानी से प्रपोज कर दिया। वाह, थैंक यू, कितना टाइम वेस्ट किया यार। मुझे यहाँ हाई फाई दे रहे हो, अगर घर वालों को पता चलेगा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे हाई फाई जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे गालों पर। अरे तुम्हारे प्यार के लिए मैं तुम्हारे घर वालों की मार खाने को भी तैयार हूँ, वैसे मैंने काम भी वैसे ही किया। अच्छा चले अब घर, या फिर आप राजीव जी के साथ कहीं बाहर डेट पर जाओ। आइडिया बनानी है। ठीक है, मैं कैब बुलाती हूँ। अरे मेरे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन ऑफ हो गया। आप अपना फोन दीजिए ना बुआ। पर मैं तो अपना फोन लाई भी नहीं, मैं तो चाहती नहीं थी कि कोई भी मुझे फोन करे आज। तो कोई बात नहीं है, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। चलो आज हम लोग डेट के लिए जवान निवास चलते हैं। राज, अगर हम डेट पे जवान निवास जाएंगे ना, तो मेरे नाम के सामने लेट लग जाएगा। लेट शिवानी चवान और लेट सही चवान। अरे यार, मेरी गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगी? गलती मैंने की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगा ना। हमें काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे घर वालों की जो भी नाराजगी होगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा यार। वो एक्चुअली आपके ऐसे बिना बताए चले जाने से घर वाले इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं। अब आप ऐसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए उनके सामने अचानक आ जाएंगे, तो फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे ना, उनके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। तो तुम्हारी एज क्या? हाँ, अरे मतलब ये मुझे तुम्हारा लव गुरु बनाना चाहती है? तुम तो जगत गुरु हो यार, मतलब तुम्हारे थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है हर बात को लेके। सही हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे स्मार्ट है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे बाकी घर वालों से मिल चुका हूँ ना।
एक मिनट, एक मिनट, मतलब मेरे बाकी घर वाले बेवकूफ है? नहीं बेबी, सब नहीं, बस सात आठ लोग। मैं भी नहीं बेबी, तुम तो सबसे स्मार्ट हो। ठीक है, लेकिन देखिए मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ कि आप दोनों को घर वालों के सामने लेकर जाऊं और फिर वो लोग हर्ट ना हो या नाराज ना हो। हाँ, वैसे राजीव से सब नाराज हैं। ये उनके सामने भी जाएगा ना तो तलवारें निकल जाएंगी, और इस बात की गारंटी तो मैं लेती हूँ। एक आइडिया आया, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर ले, फिर घर वाले कितना भी गुस्सा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं बेबी, शादी के दिन तुम्हें अकेला छोड़कर जब मैं भाग गया तो मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे घर वालों को भी धोखा दिया। तुमसे तो माफी मांग ली, लेकिन उन सबसे माफी मांगना अभी बाकी है, और उसके बाद मैं सबके सामने उनकी ब्लेसिंग लेकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।